गोरा रंग सभी को पसंद होता है और रोजाना हजारों कमेंट्स आए होते हैं जिसमें सिर्फ रंग गोरा करने की रिक्वेस्ट की जाती है। कुछ दोस्तों की शादियां नजदीक हैं, किसी के घर में शादी है, बहुत सारी नाइट क्रीम्स, बहुत सारे लोशंस मार्केट में अवेलेबल हैं चेहरे को गोरा करने के लिए, रंग को गोरा करने के लिए, छाइयों को खत्म करने के लिए, दाग धब्बों को खत्म करने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज के वीडियो में छाइयों को खत्म करके, दाग धब्बों को खत्म करके, रंग को गोरा करने के लिए एक DIY क्लींजर आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी जो 100% नेचुरल है, इसमें किसी केमिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये तमाम चीजें आपकी स्किन को ब्लीच करेंगी और आपके चेहरे से दाग धब्बों को खत्म करके आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबा जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ जो हम DIY क्लींजर शेयर करने जा रहे हैं उस रेसिपी को गौर से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक आलू का आपने कद्दूकस करना है और उसका जूस निकाल लेना है। यहाँ पे 2 चम्मच मेरे पास आलू का रस है और मैं आलू का रस एक बाउल में ऐड करूंगी। उसके बाद एक टमाटर को हमने अच्छे तरीके से कद्दूकस करना है और इसका रस जो है, इसका जूस जो है वो 2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम एक खीरे को कद्दूकस करेंगे और इसके 2 चम्मच रस जो है वो जूस का इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 चम्मच हम इसमें रॉ मिल्क यानी कि कच्चे दूध के ऐड करेंगे और सबसे लास्ट पे हम इसमें 2 चम्मच ऐड करेंगे एलोवेरा जेल का। आप मार्केट का एलोवेरा जेल इस्तेमाल करें या फिर फ्रेश वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर लें, ये आपकी मर्जी है। तमाम चीजों को अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमारा एक क्लींजर तैयार हो जाएगा। उसको किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारा ये DIY क्लींजर बनके हो जाता है तैयार। आपने इसको किसी भी बॉटल में डालकर स्टोर कर लेना है फ्रिज के अंदर। इसको ठंडी जगह पे रखिएगा। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपने कॉटन बॉल लेना है, उसको इस क्लींजर के अंदर अच्छे तरीके से डिप कर लेना है। डिप करने के बाद आप अपने चेहरे को अच्छे तरीके से इसके साथ क्लीन करेंगे। अच्छे तरीके से क्लीन करिएगा ताकि आपके पोर्स खुल जाए और पोर्स के अंदर से जितनी गंदगी है वो सारी की सारी निकल जाए। अगर डेली आप अपने चेहरे को क्लीन भी कर लेते हैं ना इस क्लींजर से, तो आपका रंग बहुत ज्यादा गोरा और बेदाग हो जाएगा। अब जब आप देखेंगे अच्छे तरीके से आपने क्लीन कर लिया है, देखिए कितनी ज्यादा डस्ट मट्टी इसके ऊपर से उतरी है, हालांकि हम अपने हैंड को डेली तौर पर वॉश करते हैं। अब आपने अपने चेहरे को पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आप दोबारा से कॉटन बॉल को क्लींजर के अंदर डिप करेंगे। स्प्रे बॉटल में डाल लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और इसको अपने चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद इसको ड्राई होने देंगे और जब ये ड्राई हो जाए तो इसको सारी रात के लिए लगा रहने देंगे। मॉर्निंग में उठ के आप अपने चेहरे को वॉश कर लीजिएगा। आपका चेहरा नेचुरल तरीके से बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा होगा, बहुत ज्यादा स्पॉटलेस हो जाएगा, दाग धब्बों से फ्री हो जाएगा, एकदम से मिरेकल हो जाएगा, मौजा हो जाएगा कि आपका रंग इतना ज्यादा गोरा हो जाएगा और आपको ये परेशानी भी नहीं होगी कि आपने किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है। और ये आपके चेहरे को इमरजेंसी व्हाइट करेगा, वो भी नेचुरल तरीके से। मुझे पूरा यकीन है कि आपने इस वीडियो को जरूर पसंद किया होगा। पसंद किया है तो लाइक करें। छोटी उम्र की बच्चियां और बच्चे भी इसको इस्तेमाल करके अपने रंग को बहुत ज्यादा गोरा और स्पॉटलेस बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जितनी ज्यादा अच्छी लगी उतने ज्यादा इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलते हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि असल ताकत बर्दाश्त करने में होती है, इंतकाम लेने में नहीं। इस लेसन पर जरूर गौर करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।